जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। भूख और प्यास से मरी पड़ी गायों को आज दफनाया गया। कई दिनों से हाईवे किनारे पड़ी मार रही थी सड़ैल। प्रशासन बनता रहा धृतराष्ट्र कालपी। जोलहूपुर हाईवे के किनारे बनी पेट्रोल पंप के बगल में 3 से 4 गाय मरी पड़ी थी। गायों के शव को दफन करने के लिए प्रशासन या ग्राम पंचायत नहीं ले रहा है सुध। जानकारी के अनुसार जोलहूपुर मोड़ पर हाईवे के किनारे बनी पेट्रोल पंप के बगल में मृत गाय पड़ी थी और सड़ैल मार रही थी। जब जालौन मेट्रो संवाददाता प्रशांत शुक्ला ने आज इसे देखा और ग्राम प्रधान को इस बाबत बताया तो आनंद फानन में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा जेसीबी भेजकर इन गायों को दफन किया गया। वहां पर रहने वाले धर्मेंद्र सिंह, राम बिहारी, बबलू भदौरिया, रहमान मिस्त्री आदि लोगों ने बताया कि ये गाय काफी दिनों से पड़ी थी। इसकी सूचना हम लोगों ने हाईवे तथा ग्राम पंचायत को दी लेकिन फिर भी दफन नहीं किया गया था। वहीं राज्य सरकार गायों के लिए जगह जगह गौशाला और भूसा उनकी देखरेख के लिए कई योजनाएं चला रही है लेकिन गायों की दुर्दशा रुकने का नाम नहीं ले रही। देखिए कालपी संवाददाता प्रशांत शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं तहसील संवाददाता जालौन मेट्रो प्रशांत शुक्ला। आज हम आए हुए हैं कालपी नगर से आने वाले हाईवे पे जो कि झांसी को जाता है जोलूपुर मोड़। ये आपका पेट्रोल पंप पड़ता है, बिहारी पेट्रोल पंप जो कि पूर्व में बंद हो चुका है। उसके बगल में भदौरिया होटल के बगल में यादव मार्केट के बगल में हम आपको दिखाने वाले एक ऐसा मंजर कि आप चौंक जाएंगे। आइए दिखाते हैं आपको पूरा मंजर। आप देख सकते हैं कि 3 गाय मृत अवस्था में गौवंश, ये देख सकते हैं आप, और एक मरणासन्न स्थिति में। और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि 7-8 दिन से ये है और ये इन्होंने हाईवे वालों को शिकायत भी कही है। यहाँ पे वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितनी दुर्गंध आ रही है। चलिए आगे देखते हैं और स्थानीय लोगों से पूछते हैं। क्या कहेंगे जिम्मेवार इस पे, जहां योगी सरकार बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है और यहाँ का प्रशासन बहुत बड़े बड़े दावे कर रहा है गौशालाओं को लेके, गौ सेवा को लेके। और आप ये मंजर देख सकते हैं, लगभग 8 दिन से यहाँ के लोग परेशान है। अभी हमारे स्थानीय लोगों से बात हुई, एक बार फिर पूछते हैं। भैया आपका नाम? मोहम्मद लुकमान। आप जोलूपुर के रहने वाले हैं? कालपी के रहने। आप यहाँ पे ये जगह श्रीराम यादव? हाँ, के जोलूपुर मोड़ श्रीराम यादव के साथ। ये गाय कितने दिन से मृत पड़ी है? 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। हाँ। आप लोगों ने इसकी शिकायत की किसी से? हाईवे वालों से कहा और लोगों से भी कहा, कोई सुनने को तैयार नहीं रहता। और इतनी बदबू आ रही है। हाँ। यहाँ के लोग इसी में जीवन यापन कर रहे हैं? हाँ, यहाँ लोग करते रहते हैं। और एक चीज और भी है कि यहाँ के जो किसान है वो मारते हैं, भगाते हैं, कुल्हाड़ी मार देते हैं और फसला डाल देते हैं इनके। एक गाय की फसला भी पड़ा हुआ है, बंधा हुआ। और आगे? हाँ जी, नहीं ही बैठी हुई है, जिंदा है अभी, मरने के कगार पे है वो। और एक गाय देखो वो मर चुकी है, वो पोटली पड़ी हुई है उसकी, वो पोटली पड़ी हुई है, पन्नी खाने को मिलता नहीं है, पन्नी इन्नी सब पेट में रहती है। सवाल बड़ा है, जवाब आना बाकी है, देखते हैं जिम्मेवार क्या कहते हैं। मैं तहसील संवाददाता प्रशांत शुक्ला जालौन में। ग्राम पंचायत जोलूपुर में जो मरी हुई गाय पड़ी है उनको जेसीबी के द्वारा दफनाया जा रहा है। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।